Dear students, today's topic is tangents and normals. Application of derivatives का topic है ये, sub topic rather. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक तो rate of change of quantities मैंने discuss किया है आपके साथ, मैंने increasing and decreasing functions आपके साथ discuss की, इसमें कुछ problems हमने पढ़ी. तो अब ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स मैं आपको समझाऊंगा और इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे. पहले हम क्या करें, आपको मैं डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा पहले कि टेंजेंट क्या होता है. टेंजेंट आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, इसके बहुत सारे डेफिनेशंस भी हैं. तो एक डेफिनेशन मैं सिंपल सी दूंगा, ये टेंजेंट एक लाइन होती है जो एक कर्व को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करती है. सिंपल सी बात कि अगर हम एक कर्व लेंगे, चाहे क्लोज या ओपन लीजिए कोई कर्व ऐसे, तो याद रखिएगा कोई भी कर्व जो भी मैं बनाता हूं, ये कोई फंक्शन होती है, ये फंक्शन होती है कोई ना कोई रियल फंक्शन. तो ये कर्व जो है, सपोज मैं एक लाइन यहां से मैंने डाली है, आप देखो ये जो लाइन है, इस लाइन ने इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस कर्व को टच किया है, तो मैं कहूंगा ये जो लाइन है इट इज कॉल्ड द टेंजेंट. ये टेंजेंट कहलाता है एक ही पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे ये टच करती है इस कर्व को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट. इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट. तो हम कहेंगे अ लाइन विच इज बीइंग ड्रॉन प्लस कर्व एंड टचेस द कर्व एग्जैक्टली एट वन पॉइंट इज द टेंजेंट. और जहां पर ये टच करती है, एक इंटरसेक्टेड पॉइंट भी होता है कर्व और इस टेंजेंट का, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट. कंटैक्ट आ गया है लाइन और कर्व का. तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पर एक लाइन डालूंगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में डालूंगा इस टेंजेंट को, तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल. तो ये नॉर्मल और ये टेंजेंट जो होता है, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर्स हैं, ये 90 एंगल बना रहे हैं इधर. तो हमारा टॉपिक भी यही है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. हम क्या करते हैं, हम पहले ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप अगर हम निकालेंगे, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th क्लास के, अगर ये कर्व आप ऐसे लोगे, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डालोगे, फिर ये टेंजेंट प्रोड्यूस करोगे, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है सपोज किसी पॉइंट पर, तो ये एंगल बना रहा है सपोज कोई थीटा. तो हम कहेंगे ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट ने, ये टेंजेंट है एक्चुअली, इस टेंजेंट ने इस लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल बनाया इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एक एंगल बनाया है थीटा, और टैन ऑफ थीटा जो है, टैन ऑफ थीटा कहलाता है इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट. और आपको यह मालूम है जब आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डेरिवेटिव की निकालते हो, तो अगर कोई फंक्शन होती है, ये है कोई फंक्शन, ये है कोई फंक्शन, तो हम कहेंगे इट इज डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट एक्स, एट एनी पॉइंट एक्स. तो इस पॉइंट पे अगर हम इस कर्व की डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव देखेंगे, वो वैल्यू वही आएगा जो टेंजेंट ऑफ थीटा आता है. तो टेंजेंट ऑफ थीटा तब क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट और डी वाई बाई डी एक्स. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स. तो आप देखो, अब हमने इस पर एक नॉर्मल डाला है, और नॉर्मल और टेंजेंट जो है आपस में परपेंडिकुलर है. आपको मालूम है बोथ आर लाइंस, टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल, अगर ये दोनों ये परपेंडिकुलर हैं, तब इसके लिए एक रूल है, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट अगर स्लोप इसका हम निकालते हैं, दैट इज नेगेटिव. तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो है ऑलरेडी टेन ऑफ थीटा ये, और स्लोप ऑफ नॉर्मल इंट स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंट स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, इट इज नेगेटिव, इट्स माइनस वन. इसका मतलब है अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालूंगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर मैं निकालूंगा, तो
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होता है? इट इज माइनस वन डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हम क्या कहेंगे? इट इज माइनस वन बाय डी वाई बाय डी एक्स. इट इज माइनस वन बाय डी वाई बाय डी एक्स तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस वन डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स. इट मीन्स दैट इट इज माइनस टाइम्स डी एक्स बाई डी वाई. तो अगर कोई कर्व होती है किसी पॉइंट पर, अगर हम देखेंगे इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो होता है डिफरेंशिएशन उसकी, वो बन गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. अगर फिर इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हम निकालेंगे तो वो बन गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल बोथ आर लाइंस. अब हम क्या कहेंगे इसका एक एक दो थोड़े पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसके बाद. वो क्या है कि अगर कभी ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, अगर ये टेंजेंट कभी, ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर ये कभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, हम नोट में लिखेंगे इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. फर्स्ट वन नोट, फर्स्ट हम लिखेंगे इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस को. कैसे? देखो इस तरीके से, सपोज ये है हमारा कर्व, इस पर ये टेंजेंट यहां पर हम डालेंगे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. आप देखो जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कोई एंगल बना ही नहीं, तो थीटा इज जीरो. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है ज्योमेट्रिकली? ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट वुड बी टेन ऑफ जीरो, बिकॉज इट इज टेन ऑफ थीटा. तो टेन ऑफ जीरो आपको मालूम है इट इज जीरो. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया जीरो. तो अगर आप डिफरेंशिएशन इसकी करोगे इस पॉइंट पर, दैट इज जीरो. तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो बनता है. तो आपको, आपने याद रखा इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट दैट टाइम स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो, डी वाई बाई डी एक्स जीरो. अगर कभी, दूसरा पॉइंट, अगर कभी टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्चुअली जब हम कहेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, उस टाइम ये अप्रोच करता है. देखो इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, उस टाइम ये कैसे होता है आपका टेंजेंट? उस टाइम आपका टेंजेंट ऐसे होता है. देखो मैं बनाऊंगा ये. इफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, हम कहेंगे ये ऐसे होता है. देखो इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो ऑटोमेटिकली आपका एंगल क्या बना है? इट्स 90. मगर ये होता है लिमिटिंग पोजीशन, ये लिमिटिंग वैल्यू होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता है. इट इज 90, क्योंकि 90 एग्जैक्टली तो नहीं बनता है, ये लिमिटिंग है. हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, 90. तो स्लोप क्या होता है टेंजेंट का? तो डी वाई बाई डी एक्स जो बेटा है दैट इज tan ऑफ पाई बाई टू, वो होता है tan ऑफ पाई बाई टू इज अनडिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड. तो हम ऐसे भी लिखते हैं इसको 1/0. तो ये आप याद रखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स होता है जीरो जब टेंजेंट होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डी वाई बाई डी एक्स होता है 1/0 अनडिफाइंड जब टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. तो ये चीजें आप याद रखोगे. इसके बाद हमने फिर इन टेंजेंट्स की इक्वेशंस बनानी है. इन टेंजेंट्स की जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मालूम है, बिकॉज टेंजेंट इज एक्चुअली अ लाइन. तो हम लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, क्योंकि नॉर्मल भी इसके साथ है. तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहेंगे. हाँ बेटा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं अब बोलूंगा आपको, याद रखिएगा. अगर ये कर्व है, ये कर्व है, ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, ये टेंजेंट है, मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन बोलनी है. कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है आपके पास. इक्वेशन देखो क्या है, ये पढ़ी है आपने इक्वेशन, मगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है इक्वेशन? इट इज y माइनस वाई जीरो इज इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो. अब देखो मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, आपको मालूम है एट एक्स, एट पॉइंट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट. ये पॉइंट जो है
ये पॉइंट आपका है एक्स जीरो वाई जीरो, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, यही पॉइंट है आपका एक्स जीरो वाई जीरो, ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है एक्स जीरो वाई जीरो। कर्व यहां पर मैं बनाऊंगा, फिर ये टेंजेंट मैं डाल रहा हूं, ये पॉइंट जो है इट इज एक्स जीरो वाई जीरो, कोई भी पॉइंट, और ये पॉइंट कर्व का भी है, ये पॉइंट टेंजेंट का भी है, ये दोनों के पॉइंट्स हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है, डी बाई डी एक्स तो डिफरेंशिएशन करनी है हमने, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इसी किसी पॉइंट पर, पॉइंट यूजुअली होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो। तो ये जो ये एक्स और वाई है, ये कोई भी ऑर्बिटरी पॉइंट होता है इस लाइन पर, और ये कभी एक्स जीरो वाई जीरो भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। ये जो एक्स कॉमा वाई है, ये कोई भी पॉइंट इस लाइन पर है, इस टेंजेंट लाइन पर है, तो इट इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसी होगी जरा बताइए। हां, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो है, हां, वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो यहां पर ये है नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। तो आप देखिए, अगर मैं इसको अब सब्स्टिट्यूट करूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल को इधर, मैं लिखूंगा वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू माइनस वन बाय डी वाई बाई डी एक्स, इट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। या आप इसको लिख सकते हो माइनस टाइम्स डी एक्स बाई डी वाई भी इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, ये आपका बन गया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपने देखा टेंजेंट की इक्वेशन भी और नॉर्मल की इक्वेशन भी, फर्क इतनी है यहां पर लगाना है डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर लगाना है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज माइनस डी एक्स बाई डी वाई, ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अभी आपने देखा है एक नोट में, अगर आपकी अब एक, अगर आपका इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तब क्या कहेंगे, तब है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो है, अभी आपने देखा। तो उस टाइम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है दैट इज वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के बदले क्या लिखूं, जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो ये सब जीरो बन गया, तो इक्वेशन वुड बी वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, इंप्लॉइज दैट वाई इज इक्वल टू वाई जीरो इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो अकॉर्डिंगली आप इसकी दूसरी इक्वेशन बनेगी, वो आप खुद भी कर सकते हो। अब आप कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कोई क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें से बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल, मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपकी एक्सरसाइज 6.3 है, 12th के मैथ की एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पॉइंट क्या है, पॉइंट है 0, 0, 0, 0, आपका एक्स जीरो भी जीरो है, आपका वाई जीरो भी जीरो है। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, पहले इसकी डिफरेंशिएशन करो, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो आप एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, इट इज 2x पावर 2 माइनस 1, वो हो गया 2x। तो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू एक्स जीरो, एट x इज इक्वल टू जीरो नाउ, दैट इज 2 इंटू जीरो, दैट इज जीरो, इसका स्लोप जीरो बन गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, व्हाट इज दैट,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वाई माइनस वाई जीरो हो गया जीरो बिकॉज वाई जीरो इज जीरो इज इक्वल टू स्लोप इज जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो ये बन गया पूरा जीरो तो वाई इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो आपका बन गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मालूम है व्हाट इज एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन है एक लाइन की इट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो आपकी एक्स एक्सिस जो है ये बन गया ये एक्स एक्सिस जो है ये टेंजेंट बन गया इस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अब देखो अगर इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा इसका ग्राफ ऐसे बनता है बेटा देखो इसका ग्राफ ऐसे बनता है ये है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अब देखो इस पॉइंट पे ये है जीरो कॉमा जीरो तो इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस है ना टेंजेंट टेंजेंट है तो अगर अब हम नॉर्मल निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसका उल्टा बनेगा थोड़ा डिफरेंट तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी इसकी जरा बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू वन बाई जीरो रादर माइनस वन बाई जीरो जीरो का उल्टा माइनस वन बाई जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो तो इसको आप क्रॉस करो जीरो के साथ इसको मल्टीप्लाई करो जीरो बनेगा इट्स माइनस को आप छोड़ भी सकते हो या अगर माइनस मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका इट्स एक्स माइनस एक्स जीरो तो एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो ये इसका बन गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बगैर एक्स जीरो जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो व्हाट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो इट इज द y एक्सिस तो ये आपका बन गया है नॉर्मल तो ये आपका नॉर्मल है ये आपका टेंजेंट है तो ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू जीरो इस तरीके से हम इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट और इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल निकालते हैं देखो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इधर एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे The question is, question number nine is, find the point on the curve. Curve kya hai? Y is equal to x cube minus 11x plus 5. Ye jo curve hai, humne bolna hai, is par kaun se points hai, jin par tangent hum nikalenge, aur wo tangent hai, y is equal to x minus 11. देखो करना क्या है हमने करना है ये करो है ये क्यूबिक करो है कोई भी करो है ये हमने एक टेंजेंट डालना है टेंजेंट हमने सपोज यहां डाला और ये जो टेंजेंट डाला सपोज उसकी इक्वेशन ये है क्योंकि लाइन होती है लाइन की इक्वेशन आपको मालूम है इट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो बहुत सारे फॉर्म्स है लाइन के तो ये इसका टेंजेंट है हमने बोलना है ये पॉइंट क्या है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट हमें बोलना है ये है ना बड़ा क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व कर्व पे पॉइंट बोलना है एट विच द टेंजेंट इज दिस तो ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट हमने निकालना है हमने x0 और y0 निकालना है मैंने आपको कहा है ये कभी x0 y0 कभी xy भी हो सकता है जब हम इक्वेशन बनाएंगे इसकी आप देखो कैसे पहले हम क्या करेंगे पहले हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे हम देखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ये बनेगा हमारा dy / dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन आपको बेटा मालूम है इट इज एक्स स्क्वायर पावर डाउन पावर माइनस वन माइनस इलेवन इंटू वन प्लस हो गया फाइव की डिफरेंशिएशन जीरो तो व्हाट यू हैव ऑब्टेन्ड हियर इट इज एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन इट इज डी वाई बाई डी एक्स इट इज डी वाई बाई डी एक्स ये क्या बन गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बन गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बन गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मालूम है ये इस टेंजेंट का स्लोप है आप टेंजेंट का स्लोप यहां से भी निकाल सकते हो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस इलेवन कैसे देखो नाउ y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस इलेवन अगर आप इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से m होता है स्लोप c होता है y इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपको m जो है दैट इज वन तो स्लोप आ गया वन तो यहां हम आप कहोगे m इक्वल टू वन स्लोप ऑफ टेंजेंट वन निकला हमें तो अगर ऐसे नहीं निकालोगे इसकी भी डिफरेंशिएशन करो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू x माइनस 11 दैट इज dy / dx इक्वल टू 1 तब भी 1 आपका निकला है स्लोप तो हम कहेंगे ये जो 3x² - 11 है ये 1 के बराबर है
तो हम लिखेंगे implies that 3x square minus 11 is equal to 1. तो 3x square हो गया 1 plus 11, that is 12. तो x square हो गया 12 by 3, that is 4. तो x is equal to plus minus under root 4, that is plus minus 2. पॉइंट तो आ गया एक आपका प्लस टू और दूसरा आ गया माइनस टू. ये पॉइंट जो निकला आपका, यही आपका x जीरो है. यही पॉइंट जो x का x आपने निकाला है, यही आपका पॉइंट है प्लस टू या माइनस टू. अब हम सब चूट करेंगे इक्वेशन नंबर, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर वन. वाई निकालिए ना, y इसी से निकलेगा हमें दूसरा y कोऑर्डिनेट. सबस्टिट्यूट x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू इन इक्वेशन फर्स्ट. सबस्टिट्यूट, हां सबस्टिट्यूट x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू इन इक्वेशन फर्स्ट. क्या आएगा y का वैल्यू? इट विल बी 2q माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, दैट इज 8 माइनस 22 प्लस 5. ये कितना बना? 22 को आप 13 कम करो, ये बनेगा माइनस 9. माइनस 9 वाई का वैल्यू. तो इसके बाद एंड आप माइनस 2 दीजिए, माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2, फिर प्लस 5. तो यहां क्या, y इज इक्वल टू माइनस 8, फिर प्लस 22, फिर प्लस 5. ये बन गया 27. 27 को 8 कम करो, 19 आ गया. y इज इक्वल टू 19. आपके पास दो पॉइंट्स बन गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. हेंस टू पॉइंट्स आर, हेंस टू पॉइंट्स आर. कौन कौन सा पॉइंट है आपके पास? अब आपके पास है 2 कॉमा माइनस 9, 2 कॉमा माइनस 9. दूसरा कौन सा आ गया आपको? दूसरा आ गया माइनस 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा 19. बेटा अब इंपॉर्टेंट बात है, ये दो पॉइंट्स जो हैं, अगर मैं ये सबस्टिट्यूट यहां करूंगा, अगर मैं 2 दूंगा इस वैल्यू इस एक्स को इधर 2, तो आई विल गेट माइनस 9 विच इज ट्रू. लाइन में, टेंजेंट में, टेंजेंट में. अगर मैं अब दूंगा इधर माइनस 2, आप देखो माइनस 2 ये बन गया माइनस 13, तो वाई माइनस 13 है नहीं, इट इज 19. तो ये वैल्यू रिजेक्ट है, इट इज नॉट इंक्लूडेड. एक ही वैल्यू इंक्लूड है, दैट इज 2 कॉमा माइनस 9. बिकॉज ये जो मैंने वैल्यू निकाले हैं, इनको आपने लाइन में सब्स्टिट्यूट करना है, टेंजेंट में, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में. अगर ये सेट स्पेन को करेगी, दोनों को मानिए, ये एक ही मानती है, दूसरा रिजेक्ट करेंगे. तो हमारा पॉइंट क्या निकला? 2 कॉमा माइनस 9. तो 2 कॉमा माइनस 9 ये पॉइंट है जिस पर ये टेंजेंट है इस कर्व का. तो इस तरीके से हम पॉइंट्स निकालते हैं जब टेंजेंट दिया हुआ होता है और कर्व भी दी हुई होती है. तो हम कहेंगे ये जो 2 कॉमा माइनस 9 इज, हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज. कौन सा रिक्वायर्ड पॉइंट बना? रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2 कॉमा माइनस 9. दिस वॉज द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. इसके बाद अगर हम एक और क्वेश्चन उठाएंगे, हम आप देखो एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, होप कि आपने ये कॉपी किया होगा, तो मैं इसको मिटाऊंगा. द क्वेश्चन इज ऑफ द सेम एक्सरसाइज 6.3. द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे थोड़ा. 12 द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस. हमने सारे लाइंस निकालने हैं, उनकी इक्वेशन बनानी है ऑल लाइंस, मगर उनका स्लोप जीरो है. जो लाइंस आप निकालोगे ना, उनका स्लोप जीरो है. उन लाइंस का स्लोप, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है. तो और जो कर्व है वो है वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. आपने बनाना है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ, हमने आपने वो सारे टेंजेंट्स निकालने हैं जिनका स्लोप जीरो है, जो इस कर्व पे डाले गए हैं, जिनका स्लोप जीरो है. यही हमारा क्वेश्चन है. कैसे हम करेंगे? पहले हम स्लोप पहले निकालेंगे. आप अगर इसका स्लोप पहले निकालोगे, आप लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 1. इसकी डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज dy बाई dx.
इज इक्वल टू माइनस, बाहर नीचे आएगा माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। इसके बाद इंटरनल डिफरेंशिएशन आप करोगे, अंदर से डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स, टू माइनस वन माइनस टू, टू एक्स की टू है तो थ्री की जीरो है, तो ये बनेगा हमें यहां पर, ये आ गया पावर डाउन पावर माइनस वन, यहां आ गया पावर में माइनस टू, हाँ माइनस वन नीचे आ गया तो पावर बन गया माइनस, माइनस वन माइनस वन पावर माइनस टू। तो ये आपका क्वेश्चन बना माइनस वन टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ गया, ये पावर पॉजिटिव बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है बिकॉज इट इज डी वाई बाई डी एक्स। वट यू विल डू नाउ, आप क्या करोगे, अब डी वाई बाई डी एक्स जो है ये जीरो है, तो आप लिखोगे जीरो इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, हाँ माइनस टाइम टू एक्स माइनस टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व करने के बाद आपने उधर एक्स का वैल्यू निकालना है, फिर एक्स का वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करना है वाई में, वो आपका पॉइंट निकलेगा, तो फिर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है विच इज वाई माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू एक्स माइनस एक्स जीरो। आपके लिए ये मैं होम असाइनमेंट रखूंगा, आप ये खुद कीजिएगा, और बाकी भी जितने क्वेश्चंस इसमें हैं खुद करो, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप खुद कर पाओगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम और कोई टॉपिक उठाएंगे मैथ्स में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you very much. Stay home, stay safe.